जय श्री राम। आज मैं बताऊंगी डिज़ाइन का गला और ये है सिंपल सूट। इस पे बनाऊंगी मैं डिज़ाइन का गला। तो इसके लिए सबसे पहले एक बुकर्म की पट्टी लेनी है और इसको मैंने डबल करके लिया है। 2.5 इंच जितना आपको चौड़ा चाहिए उतना गले पे निशान लगाओ और एक निशान लगाओ 15 इंच पे नीचे। तो 2.5 इंच का आप जितना गला पहनते हो पहले उस गले को रेडी करो गोल शेप में। और उसके बाद जो मैंने 15 इंच और 14.5 इंच पे निशान लगाया है एक आधा इंच उसको निशान लगा के आप रेडी करो। और जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये 1/2 इंच खुल के 1 इंच की पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसको एक्स्ट्रा को हम कट कर देते हैं। और अब जिस हमने गले की शेप जो बनाई थी अब हम उस शेप पे कटिंग करेंगे। जो ये गले की शेप है उस पर कटिंग करेंगे और एक्स्ट्रा को हमने पहले ही निकाल दिया है। तो ये गला है, इस गले को हम डिज़ाइन में बनाएंगे इस सिंपल सूट पे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जिस कपड़े पे हम ये लगाने वाले हैं उस कपड़े पे इस गले को अटैच कर लेते हैं। तो ये कपड़ा जो मैंने लिया है ये है सलवार का कपड़ा मैचिंग में। तो ये सीधी साइड है और ये है उल्टी साइड है। तो उल्टी साइड इस गले को रख के पहले इसको हमें सेट करना है और जिस तरह हम आम गला लगाते हैं उसी तरह इसको सेट करके और इसको सिलाई लगा के इसके किनारे पे अच्छी तरह से सेट करना है। तो सेट करने के लिए मैं इसमें लगाऊंगी आलपिन जिससे ये बिल्कुल अच्छे से हिल जाए। जो हमने नाप लिया है उसी नाप पे इधर उधर ना भागे। तो 2.5 इंच की हमने चौड़ाई ली थी तो खुल के हो जाएगी वो 5 इंच। तो मैंने बीच का यानी कि अंदर का जो गैप है वो लिया है 5 इंच का। पाँच इंच का गैप लेने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उस कपड़े को कट करके अलग कर दूंगी। ये देखिए अब इसके नीचे जो मैंने ये पट्टी बनाई है इस पे भी मैं एक पिन लगा के इसको यहीं पे सेट कर दूंगी जिससे ये हमें जब हम कपड़ा फोल्ड करें तो ये इधर उधर ना भागे अच्छे से ये सेट हो जाए। पिन लगाने के बाद अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं बुकरम के ऊपर फोल्ड करूंगी और जो ये गोलाई है गले की इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद ये कपड़ा फोल्ड करना है। कट लगाने से जो ये गले में गोलाई है ये बिल्कुल अच्छे से और सफाई से फोल्ड हो जाएगी। तो कट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। और अब ये देखिए ये गला हो गया बिल्कुल कपड़े के ऊपर रेडी। अब इसको हम सूट पे लगाएंगे। तो ये हमारा सूट है, इसमें मैंने बीच सेंटर में लाइन लगा ली थी। ये दूसरे चौक से लगाई थी तो मैं एक बार इससे जो दिख जाए उस कलर से भी लगा लेती हूँ। बीच में लाइन बिल्कुल सेंटर में लगाने के बाद ऊपर गले में मैं एक कट लगाऊंगी सूट में और एक लगाऊंगी बुकरम वाले गले में। फिर दोनों कट को मिला के मैं इसको सिलना स्टार्ट करूँगी। देखिए इसके भी बीच सेंटर में मैंने कट लगा लिया और सूट के भी बीच सेंटर में ऊपर की तरफ मैंने कट लगा लिया। तो ये सूट जो लिया है मैंने उल्टी साइड से लिया है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सूट को उल्टी साइड से लेना है। आम तौर पर हम जो गला बनाते हैं उसमें हम जो ये बुकरम का गला है वो सीधी साइड से लेते हैं। अब जो बीच की लाइन मैंने लगाई थी उस लाइन के बिल्कुल सेंटर में मैंने ये गला सेट किया है। और अब इसकी गले की किनारे पे सिलाई लगानी है जिस शेप में हमने ये कटिंग करी है उसी शेप में। ये देखिए सिलाई लगा दी है। अब इसको पीछे से बिल्कुल साफ है, कोई झोल नहीं है। अब इसको 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के अंदर की तरफ से हम इसकी कटिंग करेंगे गले की।
आधा इंच कपड़ा में छोड़ना है, बिल्कुल साथ बुकरम के साथ साथ कटिंग नहीं करनी। और कटिंग करने के बाद जो आधा इंच हमने कपड़ा बचाया था उस पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। कट लगाने के बाद ये गला पूरा आपको सीधी साइड पलटना है, उल्टी साइड रख के हमने सिलाई की थी और सीधी साइड ये पलटना है। ये देखिए इस तरह से ये सीधी साइड पलटना है और पलट के फिर अच्छे से सेट करके इसको किनारे की साइड पे सिलाई लगानी है आराम आराम से। अच्छी तरह सेट करके सिलाई लगा दी है। अंदर की तरफ सिलाई लगाने के बाद अब मैं लगाऊंगी बाहर की तरफ सिलाई। तो बाहर की तरफ सिलाई लगाऊंगी तो मैं इसमें एक लेस लगाऊंगी जो इस सिलाई के साथ साथ ही इसमें अटैच हो जाएगी। तो इस लेस को गले के नीचे रख के और सिलाई लगानी है इस तरह से। साथ के साथ इसमें लेस को घुमाना है, जिस शेप में ये गला बना हुआ उसी शेप में धीरे धीरे लेस को घुमाते रहो और सिलाई लगाते रहो। अब ये पट्टी जो हमने शुरू में चौक से जो बीच सेंटर में लाइन लगाई थी सूट के ऊपर, उस लाइन के ऊपर ये पट्टी बिल्कुल सेंटर में सेट करनी है जिससे गला टेढ़ा ना हो और पट्टी भी सेट हो जाएगी और लेस भी सेट हो जाएगी। उस लाइन का आपको ध्यान रखना है, उस लाइन पे ये पट्टी बिल्कुल सेंटर में सेट करनी है। ये देखिए ये गला लेस लगा के हो गया रेडी। अब जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में बुकरम के ऊपर जो कपड़ा सेट किया था सिलाई लगाई थी, ये सिलाई हमें हटानी है, इसको हम निकाल देंगे। तो निकालने के बाद देखिए इस तरह इस गले का लुक आएगा, अच्छी तरह फिनिशिंग भी आ जाएगी और अच्छी तरह ये सेट भी हो गया ये डिज़ाइन का गला। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय माता दी।